Hare Krishna, Srimad Bhagavad Geeta, Chapter 2, Text Number 41. Kripaya, in pavitra shabdon ko mere saath saath dohrane ka prayas kijiye. Bhagwan kehte hain, Vyavasayatmika buddhe, Ikiha Kuru Nandana, Bahushakha Hyanantasya, Buddhayo Vyavasayinam, Vyavasayatmika Buddhe, Ikiha Kuru Nandana, Bahushakha Hyanantasya, Buddhayo Vyavasayinam, Vyavasayatmika Buddhe, Ikiha Kuru Nandana, Bahushakha Hyanantasya, Buddhayo Vyavasayinam, Vyavasayatmika Buddhe, Ikiha Kuru Nandana, Bahushakha Hyanantasya, Buddhayo Vyavasayinam. शब्दों का अर्थ देखिए, व्यवसायात्मिका यानी कृष्ण भावना में स्थिर, बुद्धि मना बुद्धि, एकेह एकमात्र, इह संसार में कुरुनंदन, हे कुरुनंदन या हे कुरुओं के प्रिय पुत्र, भगवान कहते हैं हे कुरुओं के प्रिय पुत्र अर्जुन, जिसकी बुद्धि व्यवसायात्मिका होती है यानी कृष्ण पर स्थित होती है, एक ही होती है, एक ही जगह उसका लक्ष्य होता है वो। और आगे भगवान कहते हैं बहुशाखा ही अनंता से, बहुशाखा माना अनेक शाखाओं में विभक्त, ही निसंदेह अनंता असीम च, यानी कि अगर वो कृष्ण में नहीं टिकी होगी तो क्या उसकी बहुत बहुत उसकी डिजायर्स होंगी, बहुत सारी शाखाएं होंगी बुद्धि की, बहुत सारी ब्रांचेस होंगी। और आगे कहा अनंता से कितनी होंगी, असीम होंगी, बिल्कुल अनलिमिटेड उसकी विशेष होंगी। बुद्ध या अव्यवस्था नाम, वो बुद्धि जो अव्यवस्था होगी यानी जो कृष्ण में स्थित नहीं होगी, जिसका एक इरादा नहीं होगा, जिसका एक लक्ष्य नहीं होगा, ऐसी बुद्धि कैसी होगी, वो बहुशाखा हिनंतास्य, उसकी बहुत बहुत शाखाएं होंगी और अनलिमिटेड डिजायर्स होंगी, क्योंकि वो कृष्ण पर टिकी हुई नहीं है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि नहीं है। अनुवाद देखिए, भगवान कहते हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं, किस मार्ग पर चलते हैं, जो भगवान ने कल बताया ना कैसा मार्ग है, वो बुद्धि योग का मार्ग है। जो भगवान कह रहे हैं कि पहले भगवान ने 39 में बताया कि अभी मैं आपको कौन सा बता रहा हूँ, ऐसा कि अभी सांख्ये बुद्धि योगो त्वमांशो, यानी बुद्धि योग हो जाए, जब आपकी बुद्धि कृष्ण के साथ जब जुड़ जाती है, बुद्ध योग तो ये आप आकर कर्म बंधन प्रहास्यसी, जब आप कृष्ण के साथ आपका बंधन जुड़ जाता है, जब आपका योग जुड़ जाता है बुद्धि का, जब आप बुद्धि योग जो हो जाता है भक्ति योग में परिवर्तित हो जाता है आपका कार्य, तो फिर कर्म बंधन प्रहास्यसी, कर्म के सारे बंधन टूट जाते हैं। और आगे भगवान ने बताया 40 में कि इस कार्य में यानी बुद्धि योग में जब आप कार्य करते हो, जब कृष्ण की भक्ति या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करते हो, तो उसमें क्या होता है, नेहा विक्रमनाशोस्ति, उसमें कोई भी प्रत्यवायो न विद्यते, उसके अंदर न हानि है या न हिरास, केवल और केवल लाभ है। यानी छोटा सा अगर स्वल्पमप्य से धर्म से, अगर जरा सा भी उसमें कार्य करते हो भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हो, तो क्या होता है, त्रायते महतो भया, बड़े से बड़े भय से, मृत्यु के भय से, जन्म जन्मांतर के चक्करों के भय से आप छूट जाते हो। और आज भगवान कहते हैं बहुत ही सुंदर कि जो इस मार्ग पर चलते हैं, इस मार्ग माना जो भक्ति योग के मार्ग पे चलते हैं, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, एक ही प्रयोजन होता है उनका, एक ही पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प होता है उनका, डिटर्मिनेशन होता है क्या, कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। और उनका लक्ष्य भी एक होता है, केवल कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और आगे है, हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में भटी हुई, एकदम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण श्लोक है,
बहुत ही ज्यादा इसका महत्व होना चाहिए। इस श्लोक में भगवान ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं। हम मंगलाचरण करते हुए गुरु और गौरंग से प्रार्थना करेंगे कि भगवान के इन पवित्र और आध्यात्मिक शब्दों को हम ग्रहण कर सकें और इसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोहेष्टम् स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपरान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथ वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिचये। वंशाकल्पतरु भयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासुदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद् गीता मात की जय हो। आज भगवान हमें व्यवसायात्मिक बुद्धि के विषय में बता रहे हैं कि देखो, अब तो भगवान ने पहले ये क्या कहा कि अगर कोई भक्ति योग में या बुद्धि योग में कार्य करता है तो उसका तो हानि और हिरास होने वाला नहीं, लेकिन वो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? व्यवसायात्मिका बुद्धि। जैसे माना ऐसा होता है ना, व्यवसाय किसको बोलते हैं? एक बिजनेसमैन टाइप के जो लोग होते हैं, यानी कि उनका क्या होता है, एक ही लक्ष्य होता है। अब कोई बिजनेसमैन होगा ना, उसको कोई भी बात दो, उसको वही वे से वो सोचेगा। एक ही उसका, उसकी बुद्धि जो है ना, वो एक ही तरह का बुद्धि, एक ही है कुरुनंदना, वो एक ही उसका माइंड व्यू होगा ना, पॉइंट ऑफ व्यू एक ही होगा, यानी एक ही वन पॉइंट पे टिका हुआ होगा। क्या कि इसका क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या इससे मुझे क्या प्रॉफिट मिल रहा है। जैसे अगर उसको कोई गिफ्ट भी देगा ना, तो वो गिफ्ट को एज अ गिफ्ट नहीं लेगा, वो देखेगा कि हाँ ये गिफ्ट है 350 रुपए का आया होगा। मतलब उसकी बुद्धि में ऐसा है कि वो पूरा का पूरा उसी के अंदर एक पॉइंटेड होगा, एक ही उसका लगा हुआ होगा। और इस पर भगवान कहते हैं
व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही है कुरुनंदन, यानी एक पे टिका हुआ। अब यहाँ पर आगे कहते भगवान बहुशाखा अनंताश्च बुद्ध अव्यवसाय नाम, जो कृष्ण भावना में नहीं लगी। अब यहाँ पर ये भगवान कह रहे हैं कि जो अगर अव्यवसाय है, यानी कि जो एक पर टिकी नहीं हुई है, वो कैसी है? बहुशाखा, बहुत 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 बहुत, कितनी सारी अनंता असीम शाखाओं में बटी हुई है। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ना कि जो इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है, वो भी तो एक ही चीज में लगी हुई है कि इंद्रिय तृप्ति लगी, इंद्रिय तृप्ति चाहिए उसको, इंद्रिय तृप्ति चाहिए। या तो अभी व्यवसाय आत्मिका बुद्धि की बात हो रही है, तो वो चाहे ना भगवान की भक्ति में लगी हो या इंद्र तृप्ति में लगी हो, तो एक ही है ना, एक में तो लगी हो, इसका लक्ष्य तो एक ही है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, देखो अगर हम भगवान की भक्ति में लगे हुए होंगे ना, कृष्ण भक्ति में लगे होंगे, तो हमारी बुद्धि एक में लगी हुई है। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हो, आपको उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या चाहिए? कृष्ण को प्रसन्नता। आप खा रहे हो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, आप है ना गा रहे हो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, आप जा रहे हो किधर कृष्ण की प्रसन्नता, आप बोल रहे हो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, आप सुन रहे हो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, आप कोई भी इंद्रियों से कार्य कर रहे हो अपनी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, मन से कार्य कर रहे हो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, दिमाग से सोच रहे हो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो गोल एक है ना। और जो भी कार्य बने, कार्य चेंज हो सकता है, लेकिन बुद्धि जो है वो मतलब एक ही पॉइंट पे टिकी हुई है, कैसे नहीं, हाउ डू आई यूज नाउ एज इट इज इन योर प्लेजर कृष्णा, मैं इस पल को आपकी प्रसन्नता के लिए कैसे यूज करूं। लेकिन अगर आप इंद्रिय तृप्ति में लगोगे ना, तो उसमें आपका गोल एक नहीं होगा। कभी आप खाने के प्रति कि मैं अपनी जिभा को कैसे कैसे उसको संतुष्ट करूं, कभी अपने इंद्रियों को कैसे संतुष्ट करूं, कभी मैं अपनी आंखों को कैसे संतुष्ट करूं, कैसे मतलब उसमें क्या आपका गोल अलग अलग होता जाएगा, कैसे संतुष्ट करना, उसको करना, अब उसको करना, अब उसको करना, अब उसको करना। संतुष्टि एक ही चीज से नहीं। अभी देखो भगवान की भक्ति में क्या है, आपको बस उसी को संतुष्ट करना, भले बाकी मेरी इंद्रियां संतुष्ट हो रही है नहीं हो रही है, कुछ खाने वाला जो मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, वो मेरी इंद्रियों को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मेरे को जो देखने को मिल रहा है, जो सुनने को मिल रहा है, इंद्रियों और मन को हमने जीत लिया होता है जब हम कृष्ण की भक्ति में लगते, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेशन एक ही होता है, संकल्प दृढ़ होता है कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, इसलिए मुझे ये नहीं करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है इसलिए जुआ नहीं खेलना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है इसलिए नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना, कृष्ण को प्रसन्न करना है इसलिए कुछ नहीं करना। तो एक ही कुरुनंदन, वो एक ही उसका लक्ष्य होता है, बस खाली कृष्ण को प्रसन्नता, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ पर करके कि जो इस मार्ग पर चलता है, यानी जो भक्ति योग में चलता है, वे प्रयोजन में दृढ़ होते हैं, उसका एक ही लक्ष्य होता है, उसका एक ही डिटर्मिनेशन होता है, और उनका लक्ष्य एक ही होता है, क्या होता है, कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं। और आगे हे कुरु नंदन, यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि नंदन का मतलब होता है प्रसन्न करने वाले, और यहाँ पर अर्जुन आए हैं किसके लिए, युद्ध के लिए, और समस्त कौरवों का सर्वनाश होने वाला है अर्जुन की वजह से। अब जो कुरु, यानी कि कुरु इसके लिए बोला गया जिनकी डेथ हो गई, यानी कि जो पितृगण हैं कुरुओं के, उनके विषय में कहा गया उनको प्रसन्नता देने के लिए। तो क्या वो इससे प्रसन्न होंगे कि अर्जुन की वजह से इतना बड़ा युद्ध हो रहा है ना, क्योंकि नंदन का मतलब होता है प्रसन्न करने वाला। तो एक तो पहले से ही जो जा चुके हैं, और दूसरे हैं वो भी जाने वाले हैं अर्जुन की वजह से, यानी कि युद्ध हो रहा है अर्जुन, ये सब कारण है पांडव। इसका मतलब ये है कि कुरु जो उनके पितृगण हैं वो प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज उनका कुरु नंदन, एक कुरुओं का एक सदस्य जो है अर्जुन जो है, वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करने वाला है। तो वास्तव में हमारे पितृगण यहाँ पर इस श्लोक से भगवान बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे पितरों को प्रसन्नता इससे होगी। अभी पहले अर्जुन ने कहा था ना कि मैं जब भी अगर पिंडदान नहीं अर्पण होगा तो पितर जो है वो नरक में चले जाएंगे, 1.41 में अर्जुन ने कहा था भगवान को, संकरो नरकाय एव कुलत्नानाम कुलस्यस्य पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अगर पिंडोदक क्रिया जो है वो नहीं पहुंचेगी पितरों तक, तो क्या होगा, पतन्ति पितरो येषां,
उन पितरों का पतन हो जाएगा, उनको नरक में भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि यदि आपकी बुद्धि व्यवसाय आत्मिका होगी तो कुरु नंदन हो आप, क्योंकि यदि आपकी बुद्धि केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करती है तो एक खानदान में यदि एक भक्त निकलता है, शास्त्र कहता है, तो उसकी 21 पीढ़ियां जो है वो नरक से निकलकर अच्छे लोगों में चली जाती हैं, भगवान के धाम में चली जाती हैं। एक खानदान में यदि एक भक्त निकलता है तो 21 पीढ़ियां काटता है। तो इसलिए भगवान उसको बता रहे हैं, गुरु नंदन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं अपने पितरों की, क्योंकि आप कृष्ण के भक्त हो, कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कार्य करोगे। और यदि आपकी बुद्धि एकदम एक पॉइंट पर लगी रहेगी कि आप कृष्ण को कैसे प्रसन्न करते हो, तो फिर आपके समस्त पुरखे जो हैं, समस्त पितृगण हैं, वो सब आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन यदि आप कृष्ण भक्ति में या कृष्ण इस एक पॉइंट पर कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं, और कृष्ण भावनामृत में स्थिर बुद्धि नहीं होगी तो क्या होगा, बहु शाखा बहुत शाखाओं में कभी बोलेंगे ये करना चाहता हूँ फिर मैं, क्योंकि जिस जो कृष्ण भक्त नहीं है, जिसकी बुद्धि एक में नहीं है ना, तो वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। कभी मुझे ये वाली कार चाहिए, कभी मुझे ये घर चाहिए, कभी मैं इस शहर में नहीं रहना चाहता, कभी मैं, वरना तो कृष्ण भक्त जो है वो एकदम शांत, जैसा कृष्ण तुम्हें अच्छा लगता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, वो बस शांत होता है। कृष्ण को अच्छा लगता है तो मैं गटर का खीरा बनने के लिए भी तैयार हूँ, बस मैं कृष्ण मुझे खाली आप अपने चरणों की सेवा से दूर मत रखना, मुझे भले एक गटर का खीरा बना देना, लेकिन वो वृंदावन में गटर होना चाहिए, ताकि वहाँ पर आते जाते आपके भक्तों की चरणों की दूर जो है वो मुझ तक पहुँचती रहे, बस एक ही। उसमें क्या होता है, एकदम सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल सेटिस्फाई होता है, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल कृष्ण की प्रसन्नता होता है, उसकी बुद्धि केवल इसी बात पर टिकती हुई होती है कि मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं। तो ये होती है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, जो इसका एक ही लक्ष्य होता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि कहलाती है। ये श्रद्धा, ये डिटर्मिनेशन, ये विश्वास के कृष्ण की भक्ति करने के बाद ही मुझे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती। अभी यहाँ में बहुत ही सुंदर एक बात चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 22.62 में कहा गया है कि श्रद्धा का क्या अर्थ होता है। बहुत ही सुंदर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृताय। श्रद्धा शब्दे विश्वास, श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास, है ना, एक तरह से। तो श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, खाली विश्वास नहीं, सुदृढ़ निश्चय होना चाहिए उसके अंदर। अब श्रद्धा किसी के अंदर भी हो सकती है फिर तो, है ना, आप श्रद्धा किसी भी भौतिक चीज के ऊपर भी रख सकते हो, किसी मनुष्य के ऊपर रख सकते हो, किसी देवता के ऊपर रख सकते हो, किसी पीर के ऊपर, किसी संत के ऊपर रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बहुत ही सुंदर आगे लाइन में बताते हैं कि ये नहीं है कि आप किसी भी रख दो को श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब होता है, सत्य कहते हैं सत्य को, धा का मतलब होता है धारण, कि जो सत्य है उसको धारण करना, जो सत्य है उसके ऊपर विश्वास करना, और सत्यम कृष्णम परम धीमहि। भागवत कहता है सत्य केवल कृष्ण है, सत्यम परम धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेव, पहला श्लोक जब हम पढ़ेंगे भागवतम का, तो उसमें कहा गया कृष्ण को सत्य। तो उस सत्य को यदि आप, उसके ऊपर आपका विश्वास होता है, आगे लिखा है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण भक्ति को ले, यदि आप उस सत्य की भक्ति करते हो, यदि आप कृष्ण की भक्ति करते हो, तो आपको ये विश्वास होना चाहिए क्या, सर्व कर्म कृतः, फिर जो भी कार्य आपको करने हैं, जो भी कर्म योग है, जो भी ध्यान योग है, जो भी जितने भी योग है, वो सारे के सारे योग जो है वो कृष्ण भक्ति के अंदर सम्मिलित होते हैं। जिस तरह से यथा तरो मूल निषेचने न तृप्यंती यत्
कंद भुजो पशाखा, जिस प्रकार जड़ में पानी देने से संपूर्ण वृक्ष संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह कृष्ण की भक्ति करने से संपूर्ण जितने भी भौतिक लोक हैं, जितने भी आध्यात्मिक लोक हैं, जो कुछ भी है वो सब कुछ संतुष्ट हो जाएगा केवल कृष्ण की भक्ति करने से। यदि किसी के अंदर यह है श्रद्धा, तो इसको कहते हैं श्रद्धा, इसको कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रद्धा, ऐसी दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है, केवल ये श्रद्धा ही व्यवसाय आत्मिका बुद्धि कहलाती है। बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया। आगे कहते हैं, श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। ये अलौकिक हो या संसार की नहीं हो, अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कार्यों में लगा रहता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। पूर्व अब यहाँ पर श्लोकों जी बता, अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो फिर आपको कोई बंधन, भगवान की भक्ति करने से आपका मानव धर्म भी पूरा हो रहा है, राष्ट्रीय धर्म भी पूरा हो रहा है, पारिवारिक धर्म भी पूरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबके कल्याण के लिए है। यदि कोई कृष्ण भक्ति करता है, यदि कोई भगवान के पवित्र में, अभी कोई बोलते श्री प्रभुपाद को कहते थे कि आप लोग क्या करते हो, खाली बस हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहते हो और बाकी सोशल वर्क नहीं करते हो, माना सोशल वर्क नहीं करते हो और बस अपने में जितने आते हो आप लोग आपस में हरे कृष्ण महामंत्र जपते हो, प्रसाद खाते हो, और ये सोशल वर्क तो नहीं हुआ, दूसरों के कल्याण का कार्य कैसे हो? तो श्री प्रभुपाद ने कहा आप लोग कैसे दूसरों का कल्याण करते? तो बोला हम लोग किसी को मेडिसिन से कर देते हैं, किसी के लिए क्या करते हैं, किसी मतलब कभी पाठशालाएं खोलते हैं, कभी हॉस्पिटल खोलते हैं। तो बोला आप लोग जो कार्य कर रहे हो ना, वो उनके किसी फायदे का नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शरीर तक लिमिटेड है। और एक भक्त जब महामंत्र का संकीर्तन करता है, भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, तो पूरे वाइब्रेशन को पवित्र कर रहा होता है, उससे संपूर्ण जो 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 जीव हैं वो सुन रहे हैं, जहाँ तक आवाज जाती है वहाँ तक सबका कल्याण हो रहा है। हमें दिखता नहीं है बल्ले, लेकिन वो महामंत्र की जो गूंज होती है, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिस जिसके कान पर ये महामंत्र गया, उसके जीवन के कष्टों का उस समय से निवारण हो गया, क्योंकि जिस दिन से उसके कानों में महामंत्र गूंजा, उसके पिछले समस्त अपराध नष्ट हो गए। और दुख क्यों मिलता मनुष्य को? अपराधों के कारण मिलता ना, और जब महामंत्र सुनने से उसके पवित्र, उसके कर्म पवित्र हो गए, उसके अपराध नष्ट हो गए, तो दुख मिलेगा ही नहीं। आप जो दुख उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हो ना, वो टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए दुख दूर होगा। अब किसी को आप मेडिसिन लेकर दे रहे हो 10 साल 15 साल, उसके बाद कितना करोगे? उसके बाद तो उसका शरीर समाप्त हो जाएगा, उसके हिस्से के दुख किधर जाएंगे? वापस उसको दूसरे शरीर में मिलेंगे। लेकिन यदि आप उसको भगवान के पवित्र नाम का आस्वादन कराते हो, तो उसके अपराध ही नष्ट हो जाएंगे, फिर तो दुख मिलेंगे ही नहीं ना। तो हम कितना अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं, तो उनको ये बात समझ में नहीं आती। आज हम जो भी शुभ या अशुभ कार्य कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसकी वजह क्या है, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पूर्व कर्मों में, पूर्व में यानी जो जन्म हो गए ना हमारे पिछले, उनमें किए गए शुभ अशुभ कर्मों से के फल से ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। मनुष्य को अच्छे और बुरे कर्मों में कौन लगाता है? जैसे हमारे पूर्व जन्मों के जितने भी कर्म थे, शुभ हैं तो फिर अच्छे कार्यों में लगाएंगे, अशुभ हैं तो बुरे कार्यों में लगाते हैं, फल उसके फलों के अनुसार, ठीक है। और लेकिन आगे इन कर्म बंधन से छूटने के विषय में श्री बाबा जी बोलते, जब कोई कृष्ण महानामृत में संलग्न होता है तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना पड़ता, फिर उसको कोशिश नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि जो कृष्ण भक्ति है वो समस्त शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से ऊपर है, वो शुद्ध सात्विक। आगे भगवान बोलेंगे कि आपको तीनों की गुण, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, उससे आगे आना है। तो ये कृष्ण भावना भक्ति जो है वो तीनों गुणों से आगे है, उसके शुभ
परिणाम के लिए आपको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। जब कोई कृष्ण महानामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे द्वेष नहीं रह जाते। अच्छे भी नहीं, अच्छे कर्मों का फल क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है ना? लेकिन कृष्ण भक्ति के लिए स्वर्ग बहुत तुच्छ बात है। उसके लिए केवल कृष्ण प्राप्ति ही सर्वोच्च उद्देश्य है। तो अच्छे और बुरे सारे द्वेष नहीं रहते हैं। कृष्ण महानामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। ये देह कुछ नहीं है, इसके लिए कार्य करना फिजूल है। ये तो देह समाप्त हो जाने वाली है। ये तो एक वाहन है जिसके अंदर बैठकर इस आत्मा को, अपने कृष्ण को प्राप्त करना है, यही लक्ष्य है। तो सर्वोच्च सिद्धि क्या है? देहात्म बुद्धि का त्याग। कृष्ण महानामृत की प्रगति के साथ साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। यानी कि इसके लिए भी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है कि हमें ये सोचना पड़े कि मैं कब अपने देहात्म बुद्धि से छूटूं, कब मुझे ये याद आ जाना शुरू हो जाए कि मैं ना आत्मा हूँ। इसके लिए भी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। आपको खाली क्या करना है? मैं कैसे अपने कृष्ण को प्रसन्न करूँ? मैं भगवान का अंश हूँ और मैं भगवान का दास हूँ, मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। ऐसे करते करते खुद ब खुद देहात्म बुद्धि छोड़ जाती है। खुद ब खुद अच्छे और बुरे जो कर्मों के रिजल्ट है, जो हमें बंधन के लिए मतलब बाध्य कर देते हैं, बारंबार जन्म मृत्यु के लिए हमें विवश कर देते हैं, वो सारे के सारे खुद ब खुद दूर है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि कृष्ण महानामृत की प्रगति के साथ साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। धीरे धीरे स्वतः ऑटोमेटिकली यह अवस्था आ जाती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना है। और ये एक ही हकरूम नंदन, ये एक बुद्धि डिटर्मिनेशन है, एक ही पॉइंट पे टिकी हुई है बुद्धि, तो फिर हमारा कल्याण निश्चित है। कृष्ण महानामृत व्यक्ति, कृष्ण महानामृत व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। यानी कि इसका मेन क्या है? वो ज्ञान है। ज्ञान क्या है? कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण सर्वस्व है, मुझे उनको प्रसन्न करना है। बस यही ज्ञान है। मैं अंश हूँ कृष्ण का और अंश का कार्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते 7.19 में जो भगवान कहेंगे, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये ज्ञान है, यहाँ पर ज्ञान पर आधारित है। क्या? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं ऐसा महात्मा जो ये कहता है कि भगवान कृष्ण ही सर्वस्व है, ऐसा महात्मा इतना इजीली मिलने वाला नहीं है, सुदुर्लभ। तो आप सब कितने भगवान की नजरों में सुदुर्लभ है, जो कि मानते हैं एटलीस्ट कितनी सेवा हो रही है, कितना हमारा जप अच्छा हो रहा है, कितना श्रवण हो रहा है, वो एक साइड पर, लेकिन इतना स्वीकार करना वासुदेव सर्वम इति, के भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, उन्हीं की प्रसन्नता से ही हमारी प्रसन्नता निर्भर करती है, उन्हीं के लिए हमें कार्य करना है, उन्हीं को प्रसन्न करना, इतना माइंड में आ जाना। इसी के लिए भगवान कहते हैं ज्ञानवान, कि आप ज्ञानी बनिए कम से कम, अब भक्त बनोगे पहले ज्ञान। तो यहाँ पर मतलब ज्ञान पर आधारित है, तो ये पता चल गया। इसके अतिरिक्त जो भी है वो क्या है? अज्ञानता है। भगवान कहते हैं जब तक तुम्हें मेरी शरण ये समझ में नहीं आता कि कृष्ण ही सर्वस्व है, अहम सर्वस्य प्रभु, भगवान कहते हैं सबको सबका प्रभु मैं हूँ, ये ज्ञान है। और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो अज्ञानता है। तो यहाँ तक अगर किसी को पहुँच गया है तो समझो बहुत बड़ा ज्ञानी है वो, लेकिन संसार में उसको बेवकूफ कहा जाता है वो अलग बात है, कृष्ण की नजरों में तो ज्ञानी है ना। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण महानामृत व्यक्ति अत्यंत ही दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है, जितने भी सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब देखो ब्रह्मा जी सबसे बड़े ज्ञानी है ना, प्रथम ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवर, भगवान ने उनको डायरेक्ट से हृदय में ज्ञान दिया। और वो क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारण। मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि जितने भी ईश्वर हैं उनका परम ईश्वर, मैं भी एक तरह का ईश्वर हूँ, मैं भी सृष्टि को सृजन कर रहा हूँ, लेकिन परम ईश्वर मेरा भी और समस्त ईश्वरों का ईश्वर गॉड हेड वो कौन है? कृष्ण है। वो डिक्लेयर करा से ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं सर्व कारण कारण, जितने भी कारण है
जितने भी समस्त प्रकट कारण जो जाहिरी वजूहात हैं, उनके मूल कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। बहुत ही सुंदर श्री भोपाल जी बता रहे हैं कि कृष्ण प्रसन्न हो गया तो समझो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही संपूर्ण जीवों का आश्रय स्थल है। और यदि कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो समझो सब कुछ प्रसन्न हो गया। आगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत ही खास बात बता रहे हैं। ये व्यवसाय आत्मिका बुद्धि जो है, एक नुक्ते पर जो टिकाने वाली है, वन पॉइंटेड जो बुद्धि है, वो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ये एक समर्थ निर्देशन होना चाहिए। किसका? गुरु का। केवल गुरु के आदेश अनुसार ही आप ठीक से कृष्ण भावनामृत ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जब तक गुरु का सानिध्य नहीं होगा तब तक आप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो गुरु, जो परंपरा से गुरु आता है, श्री गोपाल जी बोलते हैं कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। क्योंकि गुरु को पता होता है कि मेरा शिष्य जो है वो किस लेवल का है, उसकी परिस्थिति, उसके स्वभाव को जानता है और प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। केवल एक प्रामाणिक गुरु ही आपका मार्गदर्शन कर सकता है कि कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए आपको कि कौन सी दिशा अपनानी चाहिए। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। बहुत ही सुंदर कि आप अपनी मर्जी से इस मार्ग पर नहीं चल सकते हो। कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को पहले तो दृढ़ता से कर्म करना होगा। बिल्कुल अपना दृढ़ता होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन जैसा मेरे गुरु महाराज ने कहा है वैसा मुझे करना है। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मानना होगा। शिला आगे यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गुरु के जो आदेश है, जो उपदेश गुरु ने दिए, उसी को जीवन का लक्ष्य मान। अब जैसे हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी को, उनके गुरु महाराज ने पहले ही बोला कि आपको, जब पहले मिले थे उनसे तभी बोला आपको है ना प्रचार करना चाहिए था, फिर वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर आप प्रचार करो। तो श्री प्रभुपाद जी तब सोच रहे थे कि मुझे अभी मतलब जस्ट मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने कहा था, जबकि श्री प्रभुपाद जी दीक्षित भी नहीं थे और उनके गुरु महाराज ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने उन्हें कहा कि आपको प्रचार करना चाहिए। जब बहुत टाइम के बाद श्री प्रभुपाद जी यही सोच रहे थे, मतलब बाद में जब उनकी दीक्षा भी होगी तो यही सोच रहे थे कि मेरे गुरु महाराज का आदेश है कि मुझे प्रचार करना चाहिए। अब मतलब अगर देखा जाए तो जिंदगी आधी निकल गई, आधी से ज्यादा, और 70 साल की उम्र के हो गए, लेकिन फिर भी उनको यही था कि मुझे मेरे गुरु महाराज के आदेश अनुसार प्रचार करना है। तो वो वृंदावन छोड़ के चले गए। वृंदावन में हर भक्त की इच्छा होती है कि मैं रहूं, लेकिन वृंदावन छोड़ के गए, चले गए कहाँ पर? वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका चले गए कि वहां पर जाकर मुझे प्रचार करना, और गुरु आज्ञा से उन्होंने कार्य किया। तो एक बार क्या हुआ कि सब जैसे ना मायापुर में कोई फेस्टिवल था तो सारे जितने भी अच्छे अच्छे डिवोटीज थे वो सारे संत वहां पर जमा हुए और श्री प्रभुपाद जी वहां पर आए। तो श्री प्रभुपाद को कुछ लोग बोल रहे थे ऐसे कि ये देखो, ये जो चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है मायापुर, हमें यहाँ पर रहना चाहिए, कितना अच्छा है, यहाँ पर बैठ के हम लोगों को अच्छे तरीके से संग देना चाहिए एक दूसरे का, तो ये लोग कितने भाग्यवान है जो यहाँ रहते हैं, तो हम यहाँ पर आके, हमें यहाँ पर आके भक्ति को है ना इंक्रीज करना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि ये मायापुर जो है वो चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है, यहाँ पर
जो जीव जो यहाँ पर है वाकई में बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, लेकिन वेल और चैतन्य बॉर्न इज मोर इज नॉट इम्पोर्टेंट. मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट व्हाई लॉर्ड चैतन्य बॉर्न. लॉर्ड चैतन्य इस संसार में आए क्यों थे, उनके आने का किधर आए थे वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों आए थे इस संसार में, उनके आने का लक्ष्य क्या है. उनके आने का लक्ष्य क्या था, केवल और केवल कृष्ण नाम का प्रचार. क्या कहते थे, पृथ्वी तैयार चाहिए था नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम. पृथ्वी पर जितने भी नगर और गांव हैं वहां पर सर्वत्र ये हरि नाम का प्रचार होना चाहिए. तो मैं वही कार्य कर रहा हूँ, मेरे गुरु महाराज ने मुझे वही कार्य सौंपा है कि क्यों चैतन्य महाप्रभु आए थे. उनकी प्रसन्नता ये है, उनको प्रसन्न करने का तरीका ये नहीं कि मैं वहां पर जाके बैठ जाऊं. उनकी उनको प्रसन्न करने का तरीका ये है कि मैं उनके लक्ष्य को आगे बढ़ाऊं, उनके मिशन को आगे बढ़ाऊं. तो वही कार्य कर रहे हैं हम. तो फिर ना इस तरह से उनको श्लोकपाल ने बताया था. आगे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है. हम लोग जो गुरु के लिए मॉर्निंग में गुरु अष्टकम पढ़ते हैं उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा ये लिखा गया है, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् नगति कुतोपि, ध्यायन्तु वंस्तस्य यस्य स्त्रीसंध्यं, वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्. यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य माने गुरु. गुरु की दृष्टि से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट से भगवान की आज्ञाओं को समझ नहीं सकते. जो गुरु महाराज हमें आदेश देते हैं वो डायरेक्ट से भगवान का आदेश होता है, और जब हम गुरु आदेश को पूरा करते हैं तो हम गुरु को तुष्ट करने से ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं. और आगे गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत तक पहुँच पाना पाने की कोई संभावना नहीं है. यस्य प्रसादा ना गति कुतोपि, कोई संभावना नहीं है कि आप कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकते हो गुरु की सहायता के बगैर, ऐसा कोई भी संभव नहीं है. अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए. मुझे उनका चिंतन करना चाहिए. ध्यायन्तु वंस्तस्य यस्य स्त्रीसंध्यम्, 3 संध्याओं में गुरु का जो है ध्यान करना चाहिए, उनकी कृपा के लिए याचना करनी चाहिए. वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, अपने गुरु महाराज को प्रणाम करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए. किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं, वरना व्यावहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है. ये बहुत ही सुंदर बात श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे, यानी कि सिर्फ नजरिया नहीं, सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि अमली तौर पर इसको हमें प्रैक्टिकल करना होगा. गुरु महाराज के आदेशों को पालन करना होगा. खाली बोलने की या सिर्फ ये पॉइंट 3 ये नजरिया नहीं है, सिर्फ एक फलसफा नहीं है, लेकिन ये हमें प्रैक्टिकली करना होगा और आत्मज्ञान पर निर्भर है कि मेरे गुरु महाराज का लिंक जो है वो मुझसे है और मैं और गुरु का लिंक डायरेक्ट से कृष्ण से है. जो कृष्ण का आदेश है वो गुरु तक पहुंचता है और गुरु मुझ तक पहुंचाते हैं, और उस आदेश का पालन करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है. जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती है, यानी जो सकाम कर्म होते हैं फल आवर जो फ्रूट वाले कर्म होते हैं, तो उससे इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं होती है. जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है. जिसका मन दृढ़ नहीं है मतलब जिसकी बुद्धि व्यवसाय आत्मिका नहीं है, जो 1 पॉइंट पर नहीं टिका हुआ है, जो ये नहीं सोचता है कि केवल कृष्ण भक्ति करने से ही संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है, तो फिर वो क्या करता है, भगवान जी बोलते हैं विभिन्न सत्काम कर्मों के लिए आकर्षित रहता है. कभी कभी बोलता है मैं ये कार्य करूंगा, कभी ये काम करूंगा, कभी वेदों में बहुत 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 कुछ लिखा हुआ है जिसके जरिए से वो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करता रहता है, जीवन भर प्रयास करता है, मर जाता है और फिर वापस से आके दोबारा प्रयास करना पड़ता है. आगे भगवान श्री कृष्ण इन्हीं विषय में बताएंगे. बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक आज से स्टार्ट हुए हैं, और ये जो दूसरा अध्याय है इसको कहा जाता है गीता का सार, यानी कि गीता में जो कुछ भी भगवान हमें बताएंगे वो सब संक्षिप्त में बहुत बहुत ही मतलब
आला नॉलेज इसके अंदर है, हाईएस्ट टाइप का जो ज्ञान है ना वो भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में लिया है, वो समझने की बातें हैं। तो कृपया आप सब साथ रहिएगा, आप सबका